हाय गाइस, आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से और पालक की बहुत नया नाश्ता। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पालक ले ली है। इसको मैंने धुल के और एक जाली टाइप की थी उसको मैंने पूरा पानी इसका निकाल लिया है और मैं इसके लिए बारीक करके कट कर लूँगी। देखिएगा, ये मैंने कट कर लिया और इसमें मैंने आधा कटोरी बेसन डाल दिया है और मैंने आधा कटोरी ये चावल का आटा इसमें डाल दिया है और मैंने एक बारीक काट के इसमें हरी मिर्च डाल दी है और मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, गरम मसाला डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा इसमें मैंने हींग डाल दी है। इसमें नमक अभी मैंने नहीं डाला है क्योंकि नमक अगर डाल देंगे तो इसमें जो पानी छोड़ने लगता है, इसलिए नमक को हम बाद में पूरी तैयारी करने के बाद ही नमक डालेंगे इसमें। और मैंने थोड़ा सा तेल इसमें लगा के अब इसके लिए रख दिया है, आप देखिएगा और बहुत ही अच्छा नाश्ता बनेगा इसके लिए, सबको बहुत पसंद आएगा, बच्चों को भी बड़ों को भी। और मैंने दो कटोरी आटा ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी अजवाइन और एक चम्मच तेल। अब मैं अच्छे से इसे गूंध लूँगी, आप थोड़ी देर के लिए मैं इसके लिए रख दूँगी, इससे जो आटा है ना वो सही हो जाएगा। प्लेट से ढक के मैंने रख दिया है, अभी हमारा आटा सही हो गया है। अब मैं इसकी लोई बना लूँगी एक, और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके। अब मैं इसे बेल लूँगी, आप ज़्यादा बारीक कर पतला भी नहीं बेलें, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ठीक ठाक हो। और जो अब हम इसमें पूरी तैयारी हमारी हो गई है ना, अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और पूरे पे मैं इस पर रोटी जो आकार मैंने बेली है ना पूरे पे इसी तरह मैं लगा दूँगी, आप देख सकते हो। अब इसी से मैं हल्के हाथों से मैं इसके लिए रोल बनाऊंगी। आपने नाश्ता तो बहुत तरीके के खाए होंगे लेकिन इस तरह से नाश्ता आपने कभी नहीं बनाया होगा, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा घर पे, ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और मैंने एक जाली ले ली है, उस पर मैंने स्टीम करने के लिए पहले मैंने ऑयल लगा लिया है जाली पर, अब मैं स्टीम करने के लिए इसे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। अभी हमारे स्टीम हो गए हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी ठंडा होने के बाद, अब इन्हें हम कट करेंगे। ये बहुत हेल्दी भी होता है, पालक है तो बहुत हेल्दी होता है। अब मैं इनके लिए देखिएगा मैं बीच से एक कट करके हम सारे कट कर लेंगे ये। मैंने एक एक करके सबको कट कर लिया है। अब मैं लगाती हूँ कढ़ाई में तेल लगाऊंगी, अब मैं एक एक करके इसे फ्राई कर लूँगी, फ्लेम को हम हल्का करके ही तलें। देखिएगा ये बहुत ही क्रंची क्रंची बनेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में चाय के साथ में, ये शाम को चाय के साथ में किसी भी टाइम पे खा लो फिर अच्छे लगेंगे ये। देखिए हमारे तैयार हो गए गेहूं के आटे और पालक से नया नाश्ता। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।